नमस्कार दोस्तों मैं विपुल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी का और गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने क्या क्या मेजर ले रखे हैं इसको इम्प्लीमेंटे इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी का तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी एक गाइडलाइन इशू करता है तो गाइडलाइन बताएगा ये कि जिससे हम जो लिटिगेशन है उसको प्रिवेंट कर सके कंट्रोल्स कर सके और रिड्यूस कर सके तो मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट जैसे रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू सी बी आई सी सी बी डी टी इसमें बहुत से लिटिगेशन यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हैं जो बहुत से मेजर्स भी ले रहे हैं जिससे इसको रिड्यूस किया जा सके और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द कोर्ट केसेस तो ये नेशनल लिटिगेशन पॉलिसीज़ का ऑब्जेक्ट है कि लिटिगेशन को प्रिवेंट किया जाए कंट्रोल किया जाए और रिड्यूस किया जाए नंबर ऑफ़ द कोर्ट केसेस को दिस पॉलिसी इज़ अंडर द कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट आइए देखते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन uh, के रिगार्डिंग जैसे सी बी डी टी की बात जब हम तो करते हैं तो सी बी डी टी और सी बी आई सी जो है दो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवन्यू इन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू कर रखे हैं और बहुत से मेजर लिए हैं जिनसे लिटिगेशन को रिड्यूस किया जा सके और uh, जो कोर्ट का जो बर्डन है केस केस हैंडलिंग का उसको कम से कम किया जा सके सी बी ने इसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू किए हैं फील्ड ऑफिसर को जिसमें पेंडिंग अपील जो है हमारे इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का विथ लो विथ टैक्स इफेक्ट बिलो द स्पेसिफाइड लिमिट तो उसको विथड्रॉ करने के लिए उसने इंस्ट्रक्शन भी डाले हैं और इन प्रोसेस ऑफ फैसिलिटिंग बेटर एंड कंसर्टेड फोकस ऑन हाई डिमांड लिटिगेशन हाई डिमांड लिटिगेशन पर फोकस करने के लिए कहा है और लो जो टैक्स इफेक्ट वाले जो केसेस हैं उसको विदड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं सी बी डी टी ऑल्सो क्लियरिफाइड फील्ड ऑफिसर डेट अपील शुड नॉट बी फाइल मेयरली बिकॉज द टैक्स इफैक्ट इन ए पार्टिकुलर केस इकसीड द प्रिस्क्राइब मॉनिटरी लिमिट एंड यहाँ पर अगर मल्टीलिमिट ज़्यादा है तो भी केस अपील फाइल नहीं करना है करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये अपील जो डिसाइड होगा तो स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट ऑफ द केस के बेसिस पे ये अपील डिसाइड होगा वहीं पर सी ने भी इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं तो सी फील्ड फॉर्मेशन अंडर द सी बी आई सी अपील पेंडिंग इन हाई कोर्ट कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपील एंड ट्रिब्यूनल और सुप्रीम वहाँ से विदड्रॉ करने की बात, बात कही है वो केसेस जिसके सेम केसेस अगर आइडेंटिकल मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास डिसीजन डिसाइजन के लिए है तो वो केसेस को विदड्रॉ करने की बात कही वो अपील की इसके अलावा सी बी आई सी ऑल्सो स्ट्रक्टेड फील्डफॉर्मेशन नोट टू कंटेस्ट फर्दर इन अपील कंटेस्ट नहीं करना है करने के लिए कहा है जहाँ पर इशू हैज़ बीन लॉस्ट इन टू स्टेजेस ऑफ द अपील अगर लॉस्ट हो गया तो वहां पर अब फर्दर विद्रॉल की बात कही है इट हैजाइडेड हाउ डैट इन केसेज वेयर इट इज फेल्ड फिट फॉर फर्दर अपील देन ऑन द प्रोपर जस्टिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ द जोनल चीफ कमिश्नर एंड अपील कैन बी फाइल फॉर द थर्ड टाइम ऑल्सो द फील फॉरमेशन हैवर्ड ओनली दोज स्पेशल पिटिशन प्रपोजल वे इन द इशू इन वॉज सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ और ग्रॉस पर इिगलिटी इन द अप्रिशिएशन ऑफ इविडेंस इसके रिगार्डिंग जो सीबीडी टी और सीबीआईसी ने दोनों ने अपने जो थ्रेश हॉट लिमिट है मॉनिटरी लिमिट है फाइलिंग ऑफ द अपील उसको इनहांस किया है जैसे कि सी uh, में देखिए कि फॉर द फाइलिंग द अपील मॉनिट्री लिमिट बिफोर द इनकम टैक्स अपील एंड ट्रिब्यूनल पचास लाख की है हाई कोर्ट में वन करोड़ का और सुप्रीम कोर्ट में टू करोड़ का है वहीं पर सी बी आई सी में के केस है लिमिट वो फाइलिंग अपील इन द केस रिलेटेड टू सेंट्रल साइज एंड सर्विस टैक्स तो वहाँ बिफोर स्टेट फिफ्टीन लैक्स बिफोर हाई कोर्ट वन करोड़ एंड बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू करोड़ की लिमिट है मोनिटरी लिमिट फॉर द फाइलिंग अपील इन द केसेज रिलेटेड टू कस्टम तो बिफोर फाइव लाख बिफोर हाई कोर्ट टेन लैख्स एंड बिफोर सुप्रीम कोर्ट ट्वेंटी फाइव लाख तो ये मोनिटरी लिमिट उन्होंने बढ़ाया है सो डेट अपील फाइल करने के वहाँ पर रिड्यूस किया जा सके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हम आइए देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं फॉर इफेक्टिंग इफेक्टिव मोनिटरिंग ऑफ द कोर्ट केसेज एट all level journal railway and production unit have been asked to take effective step reduce number of the cases in which the government is a party and reduce the burden of the courts expedite finalization in all cases in all courts at the earliest and to cut down expenditure in contesting court cases for achieving this emphasis has been laid on effective monitoring of the cases by having Regular meeting with in, uh, in -panel advocates, briefing necessary direction to given at the highest level besides ensuring timely submission of the reply, counter replies and necessary document to the advocates. Legal Information Management and Briefing System, LIMS. तो यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द लिटिगेशन ऑफ़ द यूनियन ऑफ इंडिया ए बेव प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम 2016 में ये क्रिएट किया गया था तो लिम्स का वर्जन टू लॉन्च हुआ है 2019 में टू ओवरकम देन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल गैप्स इन द एप्लीकेशन vision of the limbs version 2 is to be uh, a single platform for litigation of government of india along with the establishment of the synchronizer regime for the monitoring of the litigation across all ministry department of government of india presently there are 7.78 lakhs cases including archive, uh, cases including 5.78 lakhs live of pending cases entered by 57 minist ministries or uh, department it has a single database of the 15881 official user and more than 20 thousand advocates all the high court expect except high court of the delhi have been integrated with the lims version 2 to facilitate monitoring of the cases pending in this high court in addition linkage of the database with Honorable supreme court is envisaged as part of the lims implementation law secretary wide uh, letter dated uh, 20th november 2020 followed by the reminder dated uh, 16 uh, march 2021 and uh, 9th july 2021 has taken up the uh, case for the grant perm uh, permission for data of various tribunal with the uh, limes version 2 through api with the chairperson president of the tribunal and secretary of the respective ministry department at present central administrative tribunal telecom dispute that settlement and appellant tribunal and appellant tribunal for electricity have provided api linkage for their database with limbs version 2 further fast tax integration of the database of cases of the railway claims tribunal income tax appellant tribunal national grain tribunal national company law tribunal and national company law appellant tribunal with limbs is in vision एक मैकेनिज्म है ए एम आर डी दैट्स रिफर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ये फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इंटर डिपार्टमेंट डिस्प्यूट आल्सो प्रोवाइड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सच डिस्पूट नेम एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट दिस वॉज फ्रेम्ड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स And circulated wide. O.M. dated thirty-first March two thousand twenty. This mechanism is applicable to the dispute other than the taxes, taxes and dispute. With the will reduce litigation in courts and resolve cases outside the court system, where both parties are government, depa government department or where one party is the government or department and the other is the student uh, stu mentalities, cpsc board, authority, etc. another mechanism, uh, a m r c d, that uh, refer for the administrative mechanism for resolution of cpsc disputes. to resolve commercial dispute between the central public sector enterprise, inter uh, एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ द अर्लियर परमानेंट मशीनरी ऑफ आर्बिटेशन एन न्यू स्कीम निमली एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सी पी एस ई डिस्प्यूट इवॉल्व बाई द डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइज हैज़ बीन ब्रॉड इन टू इफैक्ट फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड मे टू थाउजेंड एटीन इसके अलावा पी आई एम एस एक है जिसमें कि इसके अंदर प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये द कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन अमेंट किया गया टू थाउजेंड एटीन में प्रोवाइड प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर दिस मैकेनिज्म ए पार्टी विच डज नोट कंट्लेट एनी अर्जेंट इन टीम रिलीफ इन ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ दाइड वैल्यू ऑफ थ्री लैख एंड अवर हैज टू बी फर्स्ट इजॉस्ट द रिमेडी ऑफ PIMS to be conducted by the authority uh, constitution under the Legal Service Authorities Act 1987 before approaching the court. इसके अलावा मेडिएशन बिल जो अभी पार्लियामेंट में आ, रखा गया है फर्दर द फैसिलेटिंग क्यूक डिस्पोजल ऑफ़ द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट सिस्टम बाय वे ऑफ द अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म ऑफ द मेडिएशन मेडिएशन बिल 2021 बीइंग ट्वेंटी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इंटर प्रोवाइडिंग फॉर प्री लिटिगेशन मेडिएशन बाय द पार्टीज ये सारे इन्फॉर्मेशन अभी लोकसभा में दिए गए हैं हमारे मिनिस्टर के द्वारा thank you so much for uh, watching this update on the national uh, litigation policy and measure taken by the different uh, ministry or department government department thank you so much